मेरा नाम वर्षा है और मैं बिहार से हूँ. मैं एक डोमेस्टिक वायलेंस की विक्टिम रही हूँ और आज भी मैं कई सारे केसेस लड़ रही हूँ. कई बार मेरे ऊपर हमले होते हैं और यहाँ तक कि कोर्ट परिसर में भी हमले होते हैं. आज मुझे लगता है कि मैं सुरक्षित हूँ क्योंकि मेरे साथ कई लोग खड़े हैं. मैं एक एक्टिविस्ट हूँ. हाँ. और एक्टिविस्ट के लिए कम्युनिटी तक पहुँचना और उसको जागरूक करना, उसके हक अधिकार के बारे में जिताना, उसको जगाना, उसके लिए कई सारे माध्यमों की ज़रूरत है. और मैं मानती हूँ कि जन आंदोलन और वीडियो वॉलंटियर्स का काम दोनों में माध्यम मानती हूँ उस कम्युनिटी तक पहुँचने और उसको जगाने के लिए. संगठन बनाना इतना ज़रूरी है, उतना ही संगठन के इश्यूज़ को अलग अलग माध्यमों से और दुनिया जहाँ तक पहुँचाना भी ज़रूरी है, ताकि उनके हक अधिकारों के पक्ष में एक बड़ी सॉलिडारिटी, एक बड़ा सपोर्ट खड़ा किया जा सके. गरीब, दलित, वंचितों के हालात बहुत अच्छे मुझे नज़र नहीं आते और यहाँ ये लोग संगठित नहीं होंगे तो अपने हक अधिकार नहीं पा पाए, क्योंकि आज भी उनके अधिकारों को बुरी तरह से कुचला जा रहा है. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो डीलर है वो कैसे ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, लोगों को कम अनाज दे रहा है या गलत तरह का कम क्वालिटी का अनाज देता है, उसको हम लोगों ने रेड हैंडेड शूटिंग किया था. उसके बाद हम लोग को काफ़ी थ्रेटनिंग वगैरह भी मिली, लेकिन हम लोग दबे नहीं. हम लोगों ने उस कहानी के माध्यम से, उस जो वीडियो था हमारे कैमरा पर, उस कैमरे से ही हमने वहाँ के गवर्नमेंट ऑफिशियल को, हम लोगों ने इस वीडियो को दिखाया. और वो PDS का जो डीलर था, जो करप्ट डीलर था, वो सस्पेंड किया गया. जो हम लोग काम कर रहे हैं उससे लोग जागरूक होंगे, उनकी पीढ़ी में से एक नेतृत्व की पीढ़ी उभरेगी और ज़रूर संगठनात्मक रूप से लोग ज़रूर से ताकतवर होंगे. जो वंचित है वो भी ताकतवर होंगे और एक समानता की परंपरा, न्याय की परंपरा शुरू होगी. हाँ, वर्षा दीदी आए हैं तो संगठन बनाए हम लोग के, जोर आया एकदम बहुत. हमको मन बुझाता कि मेरा घर के आदमी है वर्षा दीदी. हम लोग के दीदी मजबूती बनाया, हम लोग मजबूत बना दीदी के आज बदौलत में. हिम्मत बना. यही समाज के लोग मारने उठता था, आज दीदी नहीं रहता तो हम लोग के क्या होता. DM आया, पुलिस अब बुलाया, सब है, ठीक है, शांति है. फोटो ले या दीदी, फिल्म बनवैया, जिला जिला में प्रचार करैया दीदी, अच्छा होइया, हमरा सके अच्छा लगैया. समुदायों को के लिए और उनके हक अधिकारों के लिए जब आप अपनी जिंदगी कमिट करते हो, तब ये सोच के चलते हो कि इसमें रिस्क्स हैं और हमें ये रिस्क्स ले करके ही काम करना है. जब आप अपना काम काम के रूप में नहीं बल्कि एक पैशन के रूप में, एक अपने ज़िंदगी के एक प्यार और इश्क के रूप में लेते हो, तब फिर शायद आपको डर नहीं लगता. आप जिंदा है और जिंदा रखना है कुछ चीज़ें ना. चलो मिलके गाते हैं हम लोग. हम एक लाइन गाएंगे, आपको एक पीछे गाना है, ठीक है? तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर. अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर. तू जिंदा है.